हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो, आप जिनको लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या फिर जो इंसान अभी आपके दिल में है उस इंसान के साथ आपका लव लाइफ का फ्यूचर हम चेक करने वाले हैं। एंड आप ये भी कह सकते हो कि आपका लव लाइफ का फ्यूचर कैसा रहेगा, सो यही हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम आपके प्रेजेंट लाइफ को थोड़ा सा देखना चाहेंगे, इससे आपको भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है, पेज की एनर्जी है। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, देखो वर्तमान में मुझे दिख रही है कि आप अपने पर्सन के ऊपर थोड़ा सा डाउट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं। आप जिनको लेकर सोच रहे हो, जिनके बारे में सोच रहे हो, वो हो सकता है अच्छे वे में सोच रहे हो या फिर बुरे वे में, बट दिख रही है आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हो। आपके दिल में तो बहुत सारा लव है उस पर्सन को लेकर, आप उस पर्सन के ऊपर अपना जान छिड़कते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है वो वन साइडेड दिख रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के लाइफ में कोई एक पर्सन है। थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर आ गया है। सो ये पर्सन हो सकता है अपने पिछले एक्स को लेकर थोड़ा सा इस टाइम पर बिजी हैं, या फिर उनके लाइफ में कुछ और पर्सन हैं जो उनके सराउंडिंग्स में हैं, वो उनके दोस्त भी हो सकते हैं। एंड दिख रहे हैं मुझे आपके जो पर्सन है, वो पर्सन दिखने में बहुत सुंदर है, यानी बहुत अट्रैक्टिंग है। लड़का हो या फिर लड़की, चार्म उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप जैसे लव लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट करते हो वैसा आप एक्सपेक्ट भी करते हो, बट कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर फुलफिल नहीं होता हुआ दिख रहा है। आप अपने साइड से जितना हो सके प्रयास कर रहे हो, आप अपने साइड से अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए कोशिश कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके जो वाइब्स हैं उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। अभी वर्तमान का अवस्था यही दिख रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है आपको पता है या फिर नहीं, आई डोंट नो, बट एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में। यानी आप जिनको चाहते हो, जिनके बारे में सोच रहे हो सकता है ये आपका करंट पर्सन हो, या फिर आप शादीशुदा हो, या फिर आपका क्रश भी हो सकता है। तो देख लेते हैं आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर लव लाइफ कैसा होने वाला है, यानी आपका लव लाइफ का फ्यूचर कैसा होने वाला है। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड डेथ आया है, एक मेजर अरकाना, द वर्ल्ड। देखो दोनों ही ना एक मेजर अरकाना है, सो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे दिख रही है कि आपने शायद ना किसी गलत इंसान को अपने दिल में जगह दे दिया है। वो इंसान आपके प्यार के लायक नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रही है, बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में लॉन्ग टाइम के लिए एंटर करते हुए दिख रहे हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यही दिख रही है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। आप डिज़र्व नहीं करते उस पर्सन को, आप इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर किसी इंसान को डिज़र्व करते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा लवली पर्सन हो आप, आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा काइंडेड हार्ट है, एंड आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो लव लाइफ के साइड से। यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि आप अभी जिनके बारे में सोच रहे हो, अगर ये आपका पास्ट रिलेशनशिप का कोई पर्सन है, यानी जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो सकते हैं 1 से 2 साल हो गए हैं, या फिर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, डाइवोर्स ले लिया है, तो ऐसे पर्सन के लिए दिख रहे हैं वो पर्सन आपके लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाला है, तो उनको लेकर सोचना आप बंद कर दें तो ही अच्छा है। अगर ऐसी बात नहीं है, ये पर्सन आपके कोई क्रश है, या फिर प्रेजेंट रिलेशनशिप में हो आप उनके साथ, 1-2 महीने हुआ है आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ऐसे सिचुएशन में चीज़ें सुधरने की चांसेस दिख रही है मुझे। बहुत जल्द आपके लव लाइफ में सवेरा आने वाला है, बहुत जल्द उस पर्सन की तरफ से एक वाइब्स आपको कैच करने को मिलेगा, यानी वो पर्सन कुछ चीज़ें रियलाइज़ करने वाले हैं आपको लेकर। आपका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं वो इंसान महसूस करने वाले हैं, एंड इसके दौरान आप दोनों के बीच में एक
नया शुरुआत होती हुई दिख रही हैं, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही हैं, एक टावर मोमेंट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच से बहुत जल्द गुजरने वाला है एंड उसके बाद से ही चीज़ें नॉर्मल होता हुआ आपको दिखेगा। देखो बहुत टाइम से आप लव लाइफ के साइड से ना टेम्पररी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए थे, अभी आपका टाइम आ रहा है कि आप परमानेंसी की तरफ जाओ। तो ये पर्सन आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट वाला ऑफर कर सकते हैं या फिर शादी का ऑफर दे सकते हैं। देखो शादी का ऑफर डायरेक्टली ना देने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। धीरे धीरे से आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़ेगा, यानी बहुत जल्द कुछ नहीं होने वाला है, जो भी होगा बहुत धीरे धीरे से रोमांटिक वे में पेशेंस के साथ होता हुआ दिख रहा है। यानी ऐसा एक बात है ना कि झट मंगनी पट शादी ऐसी टाइप्स की एनर्जी मुझे नहीं आ रहे हैं। पहले दोस्ती होगा, फिर नज़दीकियाँ बढ़ेगा, फिर जाकर आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझोगे, तब जाकर शादी की बात आएगा। तो आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन तो मुझे दिख रही है, ये हो सकता है डेस्टाइन कनेक्शन हो या फिर कार्मिक कनेक्शन हो या फिर सोल कनेक्शन हो। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत जल्द टूटने नहीं वाला है, आप दोनों का रिलेशन बहुत आगे तक चलने वाला है। एंड अभी मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द आप एक टावर मोमेंट से गुजरने वाले हो, तो उस टावर मोमेंट आने पर आपको किसी भी चीज़ में हाल नहीं छोड़ना है। देखो आपको उस टाइम पर पूरी तरीके से फोकस अपने पर्सन के ऊपर रखना है, भरोसा रखना है, किसी भी चीज़ को लेकर ना आपको अपने मन में डाउट नहीं रखना है। ऐसे टाइम पर अगर आप डाउट रखोगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। आपको इस टाइम पर डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। तो देखोगे कि टावर मोमेंट बहुत जल्द खत्म हो रहा है एंड आपके लव लाइफ में चीज़ें बहुत आसानी से सुलझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों कार्ड आया है ना, यहाँ पर डेथ है, रिबर्थ है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 10 दिख रही है आपको, ये जो 1 है ये एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है एंड 0 एक एंडिंग की बात करता है। तो इन दोनों के बीच में यानी एक एंडिंग और स्टार्टिंग के बीच में एक टावर मोमेंट पड़ता है, तो इसीलिए मैं टावर मोमेंट की बात कर रही हूँ। एंड टावर मोमेंट पार करते ही आपका ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान आपके भाग्य में लिखा है, कोई कितना भी चाहे भाग्य तो नहीं बदल सकता है ना। सो डेफिनेटली आपका ये जो थर्ड पार्टी है ये बीच से हट जाएगा टाइम आते ही एंड आप दोनों एक हो जाओगे, ऐसा ही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। बहुत कम लोगों के लिए चीज़ें कहीं ना कहीं 21 दिन के अंदर सुधरती हुई दिख रही हैं, सॉल्व होती हुई दिख रही है एंड मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है कि 13 हफ्ता लगेंगे, यानी 13 हफ्तों के अंदर चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अगर आपको कुछ पूछना है डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, यस और नो में आंसर आ सकता है। यहाँ पर है इन द नियर फ्यूचर, देखो मैंने अभी आपको बताया चीज़ें नॉर्मल होने वाला है, आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ के साइड से आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप इस टाइम पर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करें, मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में करने की कोशिश करें एंड मुँह से जो निकल रहा है आपका वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव निकालने की कोशिश करें। यानी जो भी बोलोगे थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना। अगर आप किसी से कह रहे हो कि नहीं ये पर्सन आपको नहीं पसंद करता है या फिर ये पर्सन आपको कभी नहीं मिल सकता है, अगर ऐसा आप मुँह से बोलोगे ना तो ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा अपने आप से। एंड नेक्स्ट कार्ड है नॉट द राइट टाइम, डेफिनेटली ये आपका सही टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो कुछ भी चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इतना आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनके फैमिली हो या फिर आपके फैमिली हो, बट दिख रही है कि इनके ही एक्स होगा या फिर इनके कोई दोस्त होगा, फीमेल दोस्त या फिर मेल दोस्त। अगर ये इंसान मेल है तो इनके फीमेल फ्रेंड होंगे, या फिर अगर ये फीमेल है तो मेल फ्रेंड होंगे, दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर बॉटम द डेक में आप देख सकते हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके सो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि 13 हफ्ते लगेंगे इस चीज़ को सुधरने के लिए, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें डेफिनेटली सॉल्व होने वाला है, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आ गया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लव लाइफ के साइड से आप ब्लेस्ड हो। आप जिस पर्सन को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर जिस पर्सन को लेकर अभी आप सोच रहे हो, वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है दिख रही है मुझे, आपके साथ उनका एक लॉन्ग टर्म का रिश्ता दिख रही है। फाइन, सो थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।